नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सचिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, डेंटल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। मतलब कि डेंटल फॉर्मूला क्या होगा हमारे स्वयं के दांतों के लिए और एक दांत की संरचना क्या होगी। दोस्तों इस खंड से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ से कुछ सवाल एटलीस्ट हमारे फंसे किसमें, एसीएफ में या फिर सीजीपीएससी या फिर आगामी किसी भी व्यापक की परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर्स में पूरा आपका टीथ मैंने कंप्लीट कर दिया है। टीथ का मैंने बेसिक्स कहाँ से इसका ओरिजिन है और इसके क्या क्या फंक्शन है सारी चीज़ें मैंने डिटेल में उसको क्या आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा तो आप बिल्कुल मेरे पुराने लेक्चर पे जाइए, मैं उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले कि हम आज आपका ये डेंटल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर ऑफ टीथ स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा जो पिछला चीज है वो आपको रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें किसकी, हमारे ह्यूमन टीथ की, तो हमारे जो ह्यूमन टीथ है वो क्या होते हैं, थीकोडोंट। ठीक, आप सोच रहे हो ये क्या वर्ड है। दोस्तों थीकोडोंट का मतलब होता है क्या, हिंदी में बोलो तो इसे क्या बोलेंगे अपन, गर्द दंती। ठीक है, अब जैसा कि आप समझते हैं गर्द मतलब गड्ढा, ठीक है, तो और दंती मतलब दांत। तो ऐसे दांत जो कि गर्त में धसे हुए होते हैं और वहां पे ये क्या स्टेबल होते हैं, अरेंज होते हैं, उन दांतों को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोन। और इस प्रकार के दांत किसमें पाए जाते हैं, हम इंसानों में। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, थीकोडोन। आपको चीजें याद रखनी है, क्या है, थीकोडोन मतलब गर्त दंती। ठीक है, अब ह्यूमन के जो दांत है उनको हम उनके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, डाइफायोडोन। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये क्या है भाई डाइफायोडोन। दोस्तों डाइफायोडोन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड है लास्ट का डोन, इसका सीधा आपका डेंटल से कोरिलेट करने वाले हैं, डेंटल मतलब हमारे टीथ। ठीक है, अब तो ऐसे दांत जो कि जीवन में कितने बार पैदा होंगे, डाई डाई मतलब दो बार। ठीक, तो ह्यूमंस के जो दांत है और लगभग जितने भी मैमल्स हैं उनके दांत उनके जीवन काल में कम से कम दो बार उगते हैं। एक बार जब उगेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, मेल टीथ। जैसा कि आपने देखा होगा तो यहाँ बच्चे थे, मैं भी बच्चा था तब हमारे दांत टूटे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल टीथ। ठीक है, तो ये वही मेल टीथ है। इस मेल टीथ के बाद यहाँ पे कुछ नए जो दांत है वो इनकी जगह ले लेंगे और उनको हम क्या बोलते हैं, फिर परमानेंट टीथ। ठीक, तो इस प्रकार से जो ह्यूमन के दांत है वो क्या क्या हो गए, एक आपका हो गया थीकोडोंट मतलब गर्त दंती, गर्त में क्या है ये, उस गड्ढे में क्या होते हैं ये, वहां पे लोकेटेड होंगे, सिचुएटेड होंगे। और ये जो गर्त दंती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे क्या, जॉ सॉकेट। जॉ सॉकेट मतलब, जॉ मतलब हमारा जबड़ा, ऊपर और नीचे दो जबड़े होते हैं हमारे, उन जबड़ों में सॉकेट्स या कुछ खांच पाई जाती है, दरार पाई जाती है, जिसमें कि हमारे दांत धसे हुए होते हैं। इस कारण से हम इन्हें क्या, थीकोडोंट भी कहते हैं। उसके अलावा दूसरा क्या, डाइफायोडोन। ठीक है दोस्तों, चीजों को बार बार दोहराइएगा क्योंकि ये ऐसे नाम है, हो सकता है आपको याद ना हो, इसलिए आप बार बार इनको रिकॉल करिए तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था पिछला क्या क्या, थीकोडोंट एंड डाइफायोडोन। अब इसके अलावा हमने पिछले क्लास में एक और चीज पढ़ा और वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या, हेटेरोडोन। आप बोलेंगे भाई ये क्या है। दोस्तों हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि जितने भी स्तनी हैं हमको मिलाकर, मनुष्यों को मिलाकर लगभग सभी प्रकार के जो स्तनी हैं उनमें एक प्रकार के दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, टाइप्स टाइप्स के दांत पाए जाते हैं, जिस कारण से हमें क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। अब जब मैंने बोला प्रकार, तो कितने प्रकार के दांत हमारे मानवों में पाए जाएंगे या फिर किसी मैमल से पाए जाते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था क्या, इंसाइजर, केनाइन, ठीक, फिर आपका प्रीमोलर एंड लास्ट में क्या, मोलर। ये चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं हमारे मैमल्स में, हम मनुष्यों में। इस कारण से हम मनुष्यों के जो दांत है उन्हें हम क्या, हेटेरोडोंट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा था पिछले क्लास का, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें रिकॉल हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, जब ये सारी चीजें रिकॉल हो गई हैं और मैंने ये चार नाम बोला है, क्या क्या बोलेंगे साथ मेरे, पहला क्या है, इंसाइजर, दूसरा आपका केनाइन, तीसरा आपका प्रीमोलर एंड चौथा है मोलर। तो दोस्तों हमको ये चाहिए कि
हमें भाई हमारे सामने के दो दांत हैं, हम जैसे ही हंसते हैं हमारी बत्तीसी नजर आती है, ठीक है। तो ये हमारी जो बत्तीसी है, हमारा जो दांत है, इसका क्या है, किस प्रकार से ये अरेंज्ड है, ठीक। तो उसका अरेंजमेंट देखते हैं सबसे पहले, फिर हम आगे चलेंगे क्या डेंटल फॉर्मूला पे, क्योंकि जब तक हम अरेंजमेंट समझ में नहीं आएगा हमको, हम डेंटल फॉर्मूला भी नहीं समझ पाएंगे, हमको वो रटना पड़ेगा। तो हमें वो रटना ना पड़े इस कारण से हम क्या करेंगे, अभी हम दांत किस प्रकार से क्या है अरेंज है ना, वो देखते हैं। और क्योंकि मैंने क्या कहा, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन्वर्ट आपके जॉस पॉकेट में, इसलिए हम मनुष्य दांत को फिर से क्या बोलेंगे, रिपीट करिए मेरे साथ, उसको हम बोलेंगे क्या, थीकोडोन, ठीक है। बोलिएगा नहीं क्या होगा वो, थीकोडोन। मेरा कहने का मतलब है एग्जाम में अगर कभी ये चीजें आए, थीकोडोन क्या है, तो आप उसको बिल्कुल आप इस दांत के साथ बिल्कुल जोड़ के इसको रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, माना अभी जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसको आप ये समझिए, देखिए ये आप जैसा दिख रहा है भाई, आप नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये आप इसको समझिए, ये हमारा क्या है, ऊपरी जबड़ा है, क्या बोलेंगे इसको हम, अपर जॉ, ठीक है। और नीचे वाले को हम क्या बोलने वाले हैं, लोअर जॉ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं वो साइंस के बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए मैं काफी आसान और बेसिक लेवल से मैं इसको जाऊंगा। और जिन लोगों को पता है वो बोर नहीं होना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये जो क्लास है उन दोस्तों के लिए भी है जिन्होंने कभी बायोलॉजी पढ़ा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको क्या लेते हैं, इसको माना मैंने क्या, अपर जॉ, इसको माना मैंने लोअर जॉ। अपर और लोअर के मतलब ऊपर वाला हिस्सा अपर जॉ मतलब जबड़ा, और नीचे वाला जो है वो निचला जबड़ा, ठीक है, हमारे निचला जबड़ा है। अब अगर ध्यान से आप अपने दांतों को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि हमारा जो दांत है, आप थोड़ा हंसिए, स्माइल करिए और देखिए जरा आईने में, आपको दिखेगा कि बीचों बीच हमारे, ठीक है, दो दांत के बीच में एक लाइन होगी, जिससे आपको यह लगेगा कि हमारा लेफ्ट साइड का दांत और राइट साइड का दांत किसका, चाहे वो अपर जॉ हो या फिर लोअर जॉ हो, ठीक है, ये दो भागों में परस्पर, ये जो दरार है, जो लकीर जो मैंने अभी यहाँ पे खींचा है, ये परस्पर बराबर, ठीक है, बराबर दो भागों में हमारे दांतों को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, ये हमारे दांतों को परस्पर विभाजित करते हैं, ठीक। तो अब चूंकि इससे पहले मैंने क्या कहा, कुछ चार प्रकार के दांत मैंने बताया था, चलिए हम रिपीट करते हैं फिर से, कौन कौन से दांत याद करिए, पहला है कौन सा दांत, इंसाइजर, दूसरा है आपका केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है कौन सा, मोलर। ये जो चार प्रकार के दांत हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए मैंने अलग अलग कलर रखा हुआ मेरे पास, ताकि आपको समझने में आसानी हो ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, आपको थोड़ी आसानी हो समझने में, इसलिए हम क्या है, एक साइड के दांत पहले बना लेते हैं, ठीक। ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा, ठीक। तो ये दो दांत, लेकिन आपको समझने वाली बात है कि मैं क्या अपर जॉ लोअर लोअर जॉ में बात कर रहा हूँ, और इसमें जो अपर जॉ का भी मैंने दो पार्ट किया है, ठीक है, लेफ्ट और राइट, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, और जितने नंबर ऑफ टीथ लेफ्ट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ टीथ आपके किसमें होने वाला है, वो होगा आपके राइट में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि नीचे ऊपर में कितना क्या है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने जो दो दांत बनाए हैं उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप बोलते हैं, तो मिटा देता हूं मैं, ये जो ऊपर के जो दांत है इनको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर, ठीक है। कितने दांत, दो दांत होगी क्या, एक अर्धांत मतलब हाफ पार्ट ऑफ द जॉ, कौन सा, अपर जॉ पे, ठीक। उसके बाद एक आएगा कौन सा, इस प्रकार से नुकीली एक दांत की संरचना, आप अपने मुंह को ओपन करके देखिए जरा, आपको साइड से दिखेगा एक दांत जो काफी नुकीला दिखता है, सारे दांत से अलग दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं हम केनाइन, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं नए नए कलर सबको डिनोट कराता हूं ताकि आपको चीजें आसानी हो, ठीक है। अब उसके बाद दो दांत आपको और दिखेंगे थोड़े चौड़े होंगे, अपेक्षा के किससे, आपके इन दोनों दांत थोड़े चौड़े होंगे, ठीक, इस प्रकार से। अब इन जो दांतों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहेंगे अपन प्रीमोलर, ठीक। ये वाले दांत क्या बोलेगा, इसको बोलेंगे प्रीमोलर। अब इसके बाद जो अंतिम जो हमारे जो दांत होता है हमारे दाढ़ का सबसे अंतिम जो सबसे लास्ट पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोलर, जो कि अपेक्षाकृत और चौड़े होते हैं इन कंपेयर एज कंपेयर टू दिस अदर टीथ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, मोलर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अपर जॉ के भी एक साइड के जो दांतों की संख्या है, मैंने आपको वो चीजें अभी बताई है, ठीक है।
अब सेम चीज है, मैंने क्या बोला, ये जो अर्धांश है आप बीचो बीच अपना देखोगे, अपने दांतों को स्माइल करोगे तो बीचो बीच आपको क्या एक दरार दिखेगी, और वो जो दरार है वो दो भागों में बांटती है, जिसे आपके इस दांतों को दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में, मैंने कहा जब मैंने बराबर हिस्सों में कहा तो यहाँ पे कितने दांत है देखिए जरा, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे मैंने क्या बोला दो दांत है, तो यहाँ पे कितना है कि दो दांत आने वाले हैं, तो ये जो दो दांत कौन से हैं, मैंने लिखा है ना इंसाइजर, ठीक है, उसके बाद एक दांत यहाँ पे कौन सा है केनाइन, तो भी बना दिया भाई केनाइन, ठीक है, क्या हुआ ये केनाइन, जो कि तीखे और नुकीले होंगे, भाले के समान होते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है, पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों आप बिल्कुल जाइए और वहां पे उसको देखिए कि क्या है, ठीक है, तो ये चीजें आपको और आसानी से समझ में आएंगी। अब इसके बाद हमारा जो अगला दांत कौन सा था भाई, प्रीमोलर, तो यहाँ पे कितने प्रीमोलर है, यहाँ पे दो, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे दो प्रीमोलर आएंगे, मैंने क्या कहा था इधर की संख्या और इधर की संख्या बराबर, जितने दांत इधर उतने दांत उधर, ठीक है, दो दांत ये हो गए, उसके अलावा लास्ट हमारे जो दांत है वो कौन से आ गए हमारे तो अपेक्षा से थोड़े चौड़े होंगे, ठीक है, ये कौन से हो गए, ये आपके हो गए मोलर, जो कि लास्ट में क्या चबा कर इसको और महीन बारीक कणों में पीसने का काम करता है इसको भोजन को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे फिर से मोलर, ये वाला, ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारे अपर जॉ पे, इसमें हमारे अपर जॉ पे कितनी संख्या हो गई हमारे दांतों की, चलिए गिनते हैं हम, एक साइड कितने हो गए दो, क्या हो गए आपके इंसाइजर, एक हो गया केनाइन, दो हो गए कौन से आपके प्रीमोलर, और तीन तीन हो गए कौन सा मोलर, इस प्रकार से की संख्या देखिए तो हमारे एक पार्ट में कितना हो गया ये आठ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था जब एक पार्ट में आठ है तो दूसरे पार्ट में कितनी होगी बराबर संख्या होगी, तो कितने हो जाएंगे आठ, तो मैंने आपको समझाया ये, तो आठ और आठ अगर मैं जोड़ू तो कितने हो गए सोलह हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो अब आगे मैंने क्या बोला ये जो अपर जो है जो ऊपरी जबड़ा है इसमें जितने दांतों की संख्या है वो कौन सी, नीचे भी वही चीज होने वाला है यहाँ, ठीक है, सेम चीज है जैसा ऊपर बना ऐसे, तो अब ये देखिए ऊपरी जबड़े पे दांत की संख्या कितनी रह गई हमारी 16, तो ये जब 16 दांत है तो नीचे भी कितने दांत होने वाले हैं 16, ठीक, अब अगर हम इसका क्या करें प्लस करें तो हमारे मुख में दांतों की टोटल संख्या, एक व्यस्त मनुष्य में दांतों की टोटल संख्या कितनी होती है, वो होती है कितनी 32, ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैंने 32 कहा तो पिछले क्लास का एक थोड़ा सा एक चीजें रिकॉल कर लेते हैं, अब आपको मुझे ये बताना है कि इन ये 32 दांत हमारे परमानेंट टीथ है, जो क्या है परमानेंटली हमारे बुढ़ापे तक जब तक हमारे दांत झड़ ना जाए तब तक ये 32 दांत होंगे, लेकिन जब हम क्या है बालक थे शिशु थे बच्चे थे तब हमारे पास कुछ मिल्क टीथ भी हुआ करते थे जो कि एक जमाने का भी थे, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या झड़ गए, उनकी जगह पे परमानेंट टीथ ने लिया, तो वो ऐसे दांतों की संख्या को आपको मुझे बताना है जो कि क्या थे मिल्क टीथ थे और एक बार झड़ चुके हैं, कौन से दांत थे हमारे उनकी संख्या क्या थी बताइए, अगर याद है तो, अगर याद ना हो तो मैं बता दूं उनकी संख्या थी कितनी 20, ठीक है, और 20 क्लास से पहले भी स्टार्ट किया था 20 बंदा, इसको हमने क्या बोला था डाइफायोडोन, क्योंकि ये दोबारा के लिए है ना, इनकी जगह पे कौन से लेंगे आपके परमानेंट टीथ इसकी जगह ले लेंगे, ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये दांत समझ में आया होगा, अब ये दांत आपको ये समझाने या बताने का मेरा मतलब यह था क्योंकि अब हम आगे जाने वाले क्या पढ़ेंगे अभी डेंटल फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं डेंटल फॉर्मूला, और डेंटल फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको ये जो चीजें हैं दांतों का जो अरेंजमेंट है, क्योंकि हम केवोडोन से मैंने कहा एक विशिष्ट प्रकार से जमे हुए दांत है तो इनको आपको समझना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है अभी हम अब बनाएंगे हमारा क्या डेंटल फॉर्मूला, अब हम लोग आ गए अपने मेन टॉपिक इस पे, इस वाले टॉपिक पे जो कि है डेंटल फॉर्मूला, तो डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो दोस्तों हमारे मुख में जो दांतों की संख्या जिस प्रकार से अरेंज जो होती है तो वो हर एक अवस्था के लिए, हर एक नहीं कुछ सर्टेन अवस्था के लिए, जैसे कि शिशु अवस्था या फिर आपकी किशोर अवस्था या फिर व्यस्त अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में हमारे मुख में जो दांतों की संख्या होती है वह क्या होती है, वह होती है भिन्न, क्या होती है वह होगी भिन्न, ठीक है, क्या होगा वो भिन्न होगा, तो अब हम जो डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके किसके लिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रन वाला पढ़ेंगे, ठीक है,
चिल्ड्रंस में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, मतलब हम सीधे सीधे चिल्ड्रंस कहने का मतलब है कि यहाँ पे मिल्क टीथ की हम बात करेंगे अभी, ठीक। तो मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है मैंने अभी आपको बताया 20, और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन चारों चीजों को मिलाकर अभी हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो दोस्तों डेंटल फॉर्मूला में जो सूत्र है वो आपको याद कर लेना है, बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने इसमें समझाया, डेंटल फॉर्मूला का सूत्र क्या होगा कि ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या, मैंने क्या बोला रिपीट करेंगे, ऊपरी जबड़े में, जबड़े के एक अर्धांश, ठीक है, अर्धांश मतलब वन हाफ, ठीक है, एक अर्धांश में क्या दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े में, इसमें निचले जबड़े में, निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, ठीक है, क्या हो गया, मैंने क्या बोला, ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या को अगर हम गुणा करते हैं इससे दो से, तो वो हमारा निकल जाएगा क्या, डेंटल फॉर्मूला। तो ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या द नंबर ऑफ टीथ कहां पे, अपर जॉ पे, जिसके वन हाफ है ना, वन हाफ ऑफ द अपर जॉ, और बटे में किसका, निचले जबड़े में के एक अर्धांश में दांतों की संख्या, और इनको हम किससे गुणा कर देंगे, दो से, क्योंकि हमारे पास दो जबड़े हैं, है ना, इससे भी कंफ्यूजन होगा, दो से क्यों की भाई, दो इसलिए क्योंकि हमारे एक और दो, दो जबड़े हमारे पास, तीन ही हमारे पास, ठीक है, इसे दो से गुणा कर दिए। ये हमारा है क्या फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को हमको अप्लाई करना है हमारे किस पे, इस मिल्क टीथ वाले पे, और एक दूसरा हम क्या पढ़ेंगे अपन, एडल्ट वाले पे, ठीक है, ये दोस्तों समझ लिया आप लोग। चलिए अब हम इसी फॉर्मूले में हम क्या डालते हैं, अपन मिल्क टीथ के बारे में जानते हैं। तो मैंने क्या बताया था, मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है 20, क्या होगा 20। तो दोस्तों अब याद करिए आप अपने बचपन को, मैं भी याद करता हूं मेरे बचपन को, तो मुझे ये याद आता है कि सबसे पहले अगर मेरे दांत जो उगे थे मेरे सामने वाले, वो ये सामने के दो दांत, ठीक है, दो के बाद चार, तो सबसे पहले जो दांत उगे वो मेरे कौन से वाले दांत थे, ये सामने वाले, ठीक है, कौन से वाले थे, ये सामने वाले। और याद करिए कि सबसे पहले हमारे दांत सामने के ही आते हैं और उनकी संख्या चार होती है शुरू में, ठीक है। तो सबसे पहले जो दांत स्टार्ट हुआ कौन सा, आपका ये इंसाइजर। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं, इसको मिटा देता हूं मैं निचले जबड़े को, यहाँ पे अपन सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए ये ऊपर वाले जबड़े समझाऊंगा और नीचे इनको टू करेंगे वो चीजें आ जाएंगे, ठीक। तो अब अगर हम मिल्क टीथ की बात करें, तो मिल्क टीथ में हमारे जो इंसाइजर कुछ इस प्रकार से लिखना है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, हमारा जो पहले प्रकार का जो दांत था वो कौन सा, इंसाइजर, जो कि उतरने और काटने के काम आता है, ठीक। अरे आप खरगोश को याद करिए या फिर चूहे को याद करिए, सामने के दो दांत होते हैं जो उतरते हैं काटते हैं, बस वही दांत हमारे बचपन में आएगा उसको हम क्या बोले, इंसाइजर। और मैंने क्या बोला, जब बचपन में जो दांत आता है तो उनकी संख्या क्या होती है, चार, शुरू में होती चार, लेकिन हम यहाँ आप क्या कर रहे हैं, एक अर्धांश की बात कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या, तो हमने उसके एक अर्धांश में दांतों की संख्या लेना है, यहाँ टोटल तो बनी चार है लेकिन मेरे को लेना क्या है, उसका आधा। अब ऐसे याद करिए तो उसका क्या होगा, दो हो गया, एक। अब मैंने बटा लिखा है, तो ये बटा आपको ये बताएगा कि भाई हम सेपरेट कर रहे हैं ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े को, ठीक है। तो जब ऊपर दो दांत आए तो नीचे भी दो दांत आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब ऊपर में जब दो दांत आए कौन से, इंसाइजर के, तो नीचे भी दो दांत आएंगे इंसाइजर के। याद करिए अपना बचपन, याद है भाई, फोटो निकाल लो अपनी पुरानी अगर होगी तो, उसे देखो आपके हंसते खिलखिलाते दो दांत बढ़िया से चमक रहे होंगे, ठीक है, वही दांत कौन सा आपके, इंसाइजर, ठीक है। अब उसके बाद आता है कौन सा, केनाइन। मैंने क्या बोला, केनाइन, और केनाइन वो वाले दांत होते हैं जो कि क्या होते हैं, नुकीले होंगे, जो कि चिड़ने फाड़ने का काम करता है। और याद करिए फिर से अपना बचपन जाइए, उन हमारे कौन से, इंसाइजर के बाद, उसके बाद अगर कोई दांत नजर आता है, कंफर्ट नजर आता है, कौन सा, केनाइन, कौन सा नजर आएगा, केनाइन। तो उनकी जो संख्या होती क्या, ऊपर में एक, मैंने अभी बताया आपको, बताया था, तो जब ऊपर में संख्या हो गई एक,
तो नीचे भी नीचे वाले जबड़े नीचे जो हमारा जबड़ा था उसमें भी आने वाला है कौन सा एक, ठीक है समझ में आया दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से इसका सूत्र बोल दे रहा हूँ कि ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या को गुणा कर देंगे आप किससे दो से, तो वो आ जाएगा हमारा क्या डेंटल फॉर्मूला या फिर हिंदी बोले तो दंत सूत्र। और दंत सूत्र में हमने क्या मेंटेनिट के बारे में बोला तो हमें इंसाइजर और केनाइन को हमने देख लिया कि कितनी संख्या होती है, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसकी प्रीमोलर की, तो दोस्तों जो प्रीमोलर है मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि प्रीमोलर्स जो शिशु होते हैं जो बालक होते हैं उनमें प्रीमोलर्स की संख्या होती है जीरो। स्टार्टिंग में प्रीमोलर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है शिशुओं में, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद जो अगला प्रकार का जो दांत है वो कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कौन सा है आपका मोलर। तो यह जो मोलर है इसकी संख्या आप फिर से आप अपने बचपन में जाइए फिर से याद करिए, फिर से अपना मुंह खोलिए बचपन का और आप देखिए कि आपको धीरे धीरे अंतिम में जो कितने दांत होंगे वाले दो दांत उगेंगे आपके, कितने बार कितने दांत दो दांत, ठीक उसको हम क्या बोलेंगे मोलर, जो कि हमारे दांत जो होता है ना ये हमारा जो क्या है अपर जॉ जबड़ा उसके सबसे अंतिम और पोस्टीरियर पार्ट में जो उगेंगे दांत वो कौन से होते हैं दो दांत बहुत छोटे छोटे दांत, ठीक। तो इनकी संख्या कितनी होगी दो, दो कौन सा अपर जॉ और आपका दो कौन सा लोअर जॉ। अब दोस्तों आप इसको काउंट करिए, ठीक है कैसे काउंट करते हैं इसको ऐसे 2+1+0+2 तो आपको इसकी संख्या कितनी मिलेगी, आपको यहाँ पे इसकी संख्या आपको अपर जॉ में मिलेगी कितनी 5, कितने मिली 5। सिमिलरली आपके लोअर जॉ की बात करें तो लोअर जॉ से मिलेगा जो मैंने बताया था अभी, उसकी बात करें तो उसमें कितनी होगी 2, 1 और फिर से 2 तो उनकी संख्या कितनी हो गई 5, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक जो मिल्क टीथ है जो बेबी टीथ जो होगा उनकी संख्या कितनी हो गई अपर जॉ में कितनी हो गई 5 और लोअर जॉ पे हो गई 5। लेकिन अपर जॉ और लोअर जॉ कह रहा हूं इसका मतलब पूरा नहीं, पूरा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने सूत्र में देखिए क्या ऊपरी जबड़े का एक अर्धांश, ठीक है और इसको हम क्या करेंगे (2), ठीक दो जबड़े हमारे पास ऊपर नीचे तो एक अर्धांश में कितना 5 तो दूसरे इसके भाई अगर इधर 5 है हमारे पास तो इसका जो दूसरा अर्धांश दूसरा जो हाफ पार्ट है उसमें भी कितने होंगे 5 होंगे, होगा ना। तो अब इसको कैसे करें इसको देखिए ऐसा 5+5 कितना हो गया 10। देखो इससे आपको भाई बटा है मतलब भाग नहीं देना है, ठीक है ये हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और इसे बटे का मतलब ये ऐसा बटा नहीं, ये हमने सेपरेशन दिया है, ठीक है अपर एंड लोअर जॉ के बीच में, ठीक। तो 5 और 5 कितने दांत हो गए हमारे पास 10 और 10 को अगर हम इनटू करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा देखिए हमारे पास आ गया मिल्क टीथ कितनी संख्या उसका 20, ठीक है दोस्तों समझ आया होगा उम्मीद करता हूं। तो मैं फिर से आपको रिपीट करूं इसी चीजों में देखो अभी से हम पुट करते हैं, ठीक है ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या कितनी हो गई 5, फिर निचले जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या हो गई कितनी 5 और चूंकि हमारे पास दो जबड़े हैं या क्या एक जबड़े का दो पार्ट है दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं इनटू कर रहे हैं 2 से तो इस प्रकार से कितना हो गया ये 20, ठीक है दोस्तों। बहुत ही पेशेंस के साथ मैं इसको बता रहा हूँ ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए समझ में आ जाए और कभी आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है इस कारण से बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे हम लोग इसी को ही एक क्लास में आने वाले थे नेक्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया मिल्क टीथ का क्या ये फॉर्मूला है, ठीक उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका अब बात करेंगे हम एक एडल्ट, मैं एडल्ट हूं मेरे अभी मुख में कितने दांत है 32 दांत है और ये 32 दांत कैसे है और किस प्रकार से अरेंज है उनकी संख्या क्या है, हालांकि मैंने आपको बता दिया ये मैंने जो बनाया था ये एडल्ट मनुष्य के दांत का उनका अरेंजमेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं थिकोडोन, थिकोडोन मतलब गर्तदंती जो कि गर्त में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसका एडल्ट क्या डेंटल फॉर्मूला थी एडल्ट के लिए तो अब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको बहुत आसानी और बहुत इजीली समझ में आएगा। अब आप मेरे साथ साथ इसको बताते चलिएगा, अब बताइए कि एक एडल्ट में आपको बताना क्या खुद आप एडल्ट हो आप खुद अपने दांतों को देखिए जरा आपको समझ में आता जाएगा कि हमारे इंसाइजर की संख्या हमारे ऊपरे जबड़े के एक अर्धांश में कितना है बताइए वहां पे भी हमारे पास 2 है ना भाई चेक करो
किसी का हो सकता है ना भी हो, होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन एक एडल्ट जो कि पूर्णतः विकसित है उसमें जो इनसाइजर की संख्या है ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश हाफ पार्ट ऑफ व्हाट, अपर जो कितनी होगी वहां पे नंबर ऑफ टीथ दो होगा, जब ऊपर में दो है तो क्या नीचे भी दो होगा, मैंने क्या बोला ऊपर भी दो है तो नीचे भी दो होगा। अब केनाइंस की संख्या देख लें भाई, केनाइंस की जो संख्या है जैसा हमारे हम बालक थे हम शिशु थे तब उस समय जो दांत हमारे इंसाइजर की संख्या वही संख्या हमारे एडल्ट में भी होगी, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो दांत क्या है दो बार जन्म लेंगे वो दांत एक बार टूट जाता है, ठीक है। तो केनाइंस की संख्या कितनी हो गई वन वन, ठीक। अब यदि हम बात करें अगले दांत की, वो हमारा कौन सा है प्रियम लिखना मतलब क्या है प्रीमोलर, तो प्रीमोलर की जो संख्या हमारे पास कितनी है उसकी संख्या है दो, जैसे मैंने आपको बताया भैया देखिए ये थोड़ा ग्रीन कलर में जो मैंने डिनोट कराया है एक और दो दो दांत, ठीक। तो उनकी संख्या कितनी हो गई दो, ऊपरी जबड़े के एक हिस्से में वैसे ही निचले जबड़े के भी एक हिस्से में इनकी संख्या हो गई दो। अब हम आ जाते हैं किसमें मोलर्स में, ठीक। अब मोलर्स की जो संख्या है जिसमें एडल्ट एक एडल्ट में मोलर्स की संख्या होती कितनी है जबड़े के आधे हिस्से में उसकी संख्या होती कितनी तीन, कितनी होगी तीन। जब ये तीन होगा तो नीचे भी तीन होगा, क्या होगा जब ऊपर तीन तो नीचे भी तीन, तो ये हमारा होगा किसका डेंटल फॉर्मूला फॉर अन एडल्ट पर्सन, ठीक है। अब इसको हम काउंट करते हैं क्या होता है देखिए काउंट करने के साथ साथ टू प्लस वन क्या होगा थ्री, थ्री प्लस टू फाइव और फाइव प्लस थ्री कितना हो गया भाई आपका आठ। जब आठ दांत ऊपर है तो फिर से इसको काउंट करें नीचे वाला निचले जबड़े के हिस्से में दो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन मतलब ये हो गया आपका आठ, ठीक बराबर नहीं भाई। अब इसको हमको एक अर्धांश पूरा भी तो करना है इसलिए हमने इसको क्या किया इनटू क्या कर दिया टू। अब जोड़िए जरा इसको आठ प्लस आठ कितना हो गया सोलह, सोलह इंटू टू बराबर बत्तीस हो गया भाई आपके बत्तीस दांत मैंने गिना दिए, ठीक। यही बत्तीस दांत है जो आपके पास मेरे पास है और हो सकता है किसी के पास ना भी हो, एक्सीडेंटल चीजें होती कई बार टूट जाता है नहीं आएगा परमानेंट था इस कारण से तो आप लोग माइंड ना करें, ठीक है चलता है ना। चलिए तो इस प्रकार से दांत होने वाला कौन सा बत्तीस कौन सा एडल्ट में। अब आपके लिए कहानी में ट्विस्ट, अब कहानी में ट्विस्ट कुछ इस प्रकार से होगा। अब बताइए कि हम जो एडल्ट जो वर्ड यूज कर रहे हैं एडल्ट ये कौन से उम्र के बच्चों नॉट बच्चों एडल्ट हो गए वो व्यस्त है तो कौन से उम्र के व्यक्तियों को हम एडल्ट बोलेंगे तो एडल्ट होंगे कौन सा हु हैज रिच टू 18 और क्रॉस टू 18 जिसने 18 साल क्या है अचीव कर लिया या फिर 18 साल से ऊपर है वो तो एडल्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक। अब कहानी में ट्विस्ट ये है अगर मैं आपको बोलू कि आपको 70 ईयर ओल्ड ठीक है एक बॉय और एक गर्ल कोई भी हो सकता है अगर आप देखने वाले बॉय तो भी अपना बॉय समझ लो लड़की हो तो लड़की समझ लो, अगर आप 17 साल के हो और आपको मैं बोलूं आपका क्या डेंटल फॉर्मूला, ठीक। तो अब बताइए इसमें क्या ट्विस्ट है और क्या हो सकता है। अब आप अगर इमेजिन करो अपने 17 साल की उम्र, ठीक, और आप अपने दांतों को भी याद करो तो आपको क्या नजर आता है क्या याद आता है याद करिए याद करिए। अगर याद ना है तो आपको याद दिलाऊंगा लेकिन थोड़ा सा समय भी तो दू अभी सांस ले लू यार काफी एनर्जी से बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक। अगर याद नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं कि जब आप 17 साल के थे 16 साल के थे ठीक है तब आपको याद करो कि आपको यहाँ पे काफी दर्द हुआ होगा आपके जबड़े पे याद आया अरे आया होगा भाई काफी दर्द होता है काफी स्वेलिंग हो जाती है खाना नहीं खिलाता है क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग आती है और स्वेलिंग क्यों आती है 70 ईयर जैसे क्रॉस करते हैं उसके बाद क्योंकि भैया 17 साल के बाद हमारे पास एक दांत एक्स्ट्रा उगने वाला है ठीक। वो एक्स्ट्रा दांत कौन सा है वो दांत का हमारा ये वाला जिसको हम क्या बोलते हैं मोलर। जब हम 17 साल के होते हैं तब हमारे जो दांतों की संख्या को ऊपर की मैंने कितना बोला था आठ आठ बोला था किसमें एडल्ट में, लेकिन जब हम 16-17 साल के होंगे तब हमारे पास ये वाला दांत है कौन सा ये मोलर वाला दांत या वो इस तरफ का दांत दोनों तरफ के दांत नहीं होते इवन नीचे भी नहीं होगा यहाँ वाला ठीक है नहीं होता है। तो हमारे कहानी में ट्विस्ट यही है अगर मैं एक 17 साल के लड़के या एक लड़की की बात करूं और उसके डेंटल फॉर्मूला की बात करूंगा तो उसमें मोलर्स की एक संख्या ये क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए तो हम इसका डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं ठीक है। तो
आई स्टैंड फॉर व्हाट? इंसाइजर। इंसाइजर मतलब कृंतक, मतलब काटने वाले दांत, उतरने वाले दांत। तो इनकी संख्या मैंने क्या बताया आपको, एडल्ट्स में इनकी संख्या क्या होती है, दो। ठीक, वन हाफ ऑफ अपर जॉ कितनी होगी, दो। उसके अलावा अगर कैनाइंस की बात करें, इसकी संख्या तो बचपन में भी वही था और आज भी वही है, इसकी संख्या कितनी हो गई, ये। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं हम यहाँ पे प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या भी कितनी होगी भाई, जो पहले था एडल्ट्स में वही हमारा भी 17 साल की उम्र में। अब जो कहानी में ट्विस्ट है वो है आपका मोलर में, मोलर के साथ। मैंने क्या बोला, जब 16-17 साल के थे तब हमारे पास ये दांत, सॉरी ये दांत तो थे लेकिन इन दांतों का जो सेट था तीन तीन का, उसमें से एक दांत हमारा नहीं था उस समय, इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था उस समय, ये दांत नहीं उगे थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, एडल्ट्स में कितनी होती है संख्या, तीन होती है। अब भाई अगर एक दांत इसमें नहीं है तो अब कितने दांत बचेंगे 16-17 साल की उम्र में, वो थे हमारी कितनी, दो होगा ना भाई, दो। अरे इतना जोर घटाओ तो आता है भाई बायो वाले, मतलब तीन से अपन एक घटाएंगे तो दो आएगा, तब समझते हैं बहुत। ठीक है, बच्चे नहीं है अभी। ठीक, तो इस प्रकार से कितना हो गया, अब काउंट करिए जरा, 2 + 1 = 3, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 2 = 7, 7 कितना हो गया, ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में दांतों की संख्या कितनी हो गई 7, और दूसरे में कितनी हो गई 7। अब हमको ये पूरा करना है, पूरा जॉ फॉर्म करना है, तो कितने हमारे पास 2 है, मैंने एक अर्धांश बोला तो पूरा करना है तो मैंने इंटू 2 किया, या फिर मेरे पास 2 जबड़े इस कारण से भी मैंने 2 से इंटू किया, तो 7 कितना हो गया 14, और 14 को मैंने 2 से गुणा किया कितना आ गया 28। देखो भाई 18 लिख रहा था, बायो वाले से दिक्कत होता है, ठीक है, नंबर सबको याद होता ही नहीं। चलो, तो इस प्रकार से जो कहानी में ट्विस्ट था किसने था, एक 16-17 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल में, इनमें जो संख्या होती है दांतों की वो कितनी होती है, वो होती है हमारी कितनी 28, और 28 क्यों, क्योंकि उस समय हमारे एक मोलर का जो दांत है वो विकसित नहीं हुआ होता है, इस कारण से संख्या कम हो जाती है मोलर की। अब चूंकि मैंने जब विकसित नहीं हुआ मोलर मैंने कहा है, तो एक चीज आपको एडिशनल चीजें बता देता हूँ इस पे, कि यह जो मोलर है, जो कि अगर हम सेट को देखें तो हमारा जो अंतिम दांत है, अच्छा आपने सुना होगा कि मेरे क्या अक्लदान आ रही है, मेरे विजडम टीथ आ रहे हैं, मतलब विजडम टीथ आना मतलब क्या, दिमाग में तेजी हो जाती है क्या, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, उसका नाम दिया गया है। और वो जो विजडम टीथ आपको बता दूं, हो सकता है आपके सवाल में ये पूछे कि आपका विजडम टीथ निम्नलिखित में से कौन सा है, इंसाइजर या फिर केनाइंस या फिर प्रीमोलर या फिर मोलर्स, तो आपको उत्तर में लगाना है कि हमारा जो मोलर का जो अंतिम नंबर का जो दांत है, जो कि सबसे पोस्टीरियर पार्ट में जाके क्या डेवलप होगा, ठीक है, इवॉल्व होगा, वो जो दांत कहलाता है कि लास्ट वाला, इसे ही हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। ठीक है दोस्तों, ठीक, उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको, मैंने क्या बोला, मोलर का जो सबसे अंतिम दांत है, तीन का जो सेट होता है उसमें जो लास्ट वाला जो मोलर है उसको हम क्या बोलेंगे, विजडम टीथ। अगर एग्जाम में आए तो बिल्कुल बनाना, नाक नहीं कटाना भाई मेरा, ट्रिक। ठीक है दोस्तों, चलो उम्मीद करते हैं दांत आपको समझ में आया होगा, और ये डेंटल फॉर्मूला आप भूलो भी नहीं, और तो फिर रिकॉल कर लें चीजों को एक बार जाते जाते, ठीक है। चलिए अब रिकॉल ये कर लेते हैं कि ये डेंटल फॉर्मूला है क्या, तो डेंटल फॉर्मूला है क्या कि मनुष्य के पास 2 जबड़े होते हैं, तो अपर और लोअर 2 पार्ट में विभाजित है, तो अपर जॉ या ऊपरी जबड़े का एक अर्धांश मतलब हाफ पार्ट ऑफ क्या आपका लोअर जॉ या अपर जॉ हो गया, बटे आपका क्या निचले जबड़े का एक अर्धांश में दांतों की संख्या, दोनों का क्या है डिवाइड मतलब सेपरेट किए और उसको 2 से अपन गुणा कर दिए, तो वो हमारा क्या टोटल टीथ नंबर निकल जाएगा। और एक एडल्ट में टीथ की संख्या कितनी होती है 32, और उसका जो फॉर्मूला है वो इसमें दिया हुआ है, उसको समझ के बना लीजिएगा, ठीक है, उसको रिकॉल करिएगा, मेरा कहने का मतलब लेक्चर देखने के बाद बच्चे बनाइए। और उसके बाद हमने क्या देखा,